हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो सब लोग? और मैं मंजू आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आपके लिए एक आज न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें मेरा ड्रेसिंग टेबल मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको कैसे लगा ये भी कमेंट कीजिए। और बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो कीजिए कीजिए। और आप मेरे चैनल में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू हो गए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको मैं जो चीज़ें दिखाऊंगी ब्यूटी प्रोडक्ट के जो आपको चाहिए होगे तो मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप मेरे चैनल में न्यू हो गए ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने मेरा जो छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है तो मैंने कैसे किए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपको कुछ हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने ये वीडियो किया है। तो आपको कैसे लगेगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। तो चलिए फिर, मेरा ड्रेसिंग टेबल मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है ये देखते हैं। दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल एंड मी। हाय, मैं आपको पहले बाहर से दिखाना चाहती हूँ कि मैंने बाहर भी जो जगह होती है जो होते हैं मैं उसे कैसे उसका यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको पहले बाहर से ही बता देती हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी आपके साथ जो मैंने बाहर जो चीज़ें रखी है। तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल ये माई वॉच जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था जो मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी किया है। आप नए हो न्यू हो गए तो ज़रूर देखिए। और ये फर्स्ट एक मैंने ये मीशो से जो मंगाया था कंटेनर, बहुत यूज़फुल है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम से चीज़ें रखी है जो ये बायोटिक का नाइट क्रीम है, सैनिटाइजर है ये फेयर एंड लवली, और ये सनस्क्रीन लोटस का, और ये मेरे बेबी का लोशन पाउडर हिमालय का बोरो प्लस, ऐसे कुछ रखा है मैंने इसमें। और ऊपर जो आर्टिफिशियल फ्लावर रखे, और एक जो किंडर जो हमें आता है ना उसमें का एक टॉय रखा है। और यहाँ पर कुछ मॉइस्चराइजर है मेरे जो ये पॉन्ड्स का है, ये नेविया का है, और ये ऐसे ही विक्स है। और उसके ऊपर ये मेरे हस्बैंड पर ही ना मैंने मेरे हस्बैंड का डियो है, मेरे वॉच का बॉक्स है, और ये बर्ड्स है, और उसके ऊपर ना मेरे बिंदीज है, और एक ऐसा खाली सा एक कंटेनर है। और यहाँ पर छोटे से ना मैंने कुछ ऐसे लॉन्ग वगैरह जो होता है ना वो रखा है। और उसके ऊपर ना ये मेरा बैंगल्स बॉक्स है, और इसमें ना मेरे स्ट्रेटनर, कर्लर, ऐसे हेयर ड्रायर ऐसे रखा है मैंने। और यहाँ पर ना ये इसमें कुछ कॉटन है जो मैं मुझे यूज़ होता है वो रखा है मैंने। आप देख रहे हो मेरा ये ऊपर का जो पार्ट कंपार्टमेंट है उसमें मैंने ये ब्रश कुछ ऐसे मेकअप रखा है। और ये आप देखोगे ना तो ये मेरा किचन में का था, पर इस पे का ना जो कैप रहा था ना वो टूट गया था, इसलिए मैंने इसको मेरे ड्रेसिंग टेबल में यूज़ किया है, आप देख सकते हो। और इसमें ना मेरे आई ब्रश रखे हैं मैंने, और यहाँ पर मेरे फेस ब्रश है, और यहाँ पर लिप लाइनर है, बहुत सारे तो नहीं है जितने उतने। और इसमें जो एक्स्ट्रा ब्रश है ना जो इस कप में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है उसको। और ये मेरे आई ब्रश है, और ये फेस ब्रश है, और ये लिप लाइनर है मेरे, और ये मेरा ना ऐसे मैंने रख दिया था जब कभी लगता है हेयर जुड़ा बनाने के लिए, तो एक है मेरे पास, तो जुड़ा पिन है, आप उसे जुड़ा पिन बोलो या कुछ भी बोलो, आपके जैसे आपको जैसे बोलना है वैसे। तो ये मेरे लिप लाइनर है, और उसके साइड में ना मैंने एक इसमें ना कॉटन बॉल्स रखे जो मुझे मेकअप रिमूव करने में या मेकअप में यूज़ होते हैं वो। और ये जो आप देखोगे ये DIY किया है मैंने, जो मोबाइल का कंटेनर होता है ना, जो मोबाइल का बॉक्स होता है सॉरी, तो उसमें ना ये मैंने इसका यूज़ किया है जिसमें मैंने कुछ कॉम्पैक्ट रखे, कुछ मेरे ब्लश रखे, हाइलाइटर रखे, और क्या ये आई शेडो किट्स रखे। तो आप देख सकते हो ये आई शेडो किट इज़ मेरे सब मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसके ही साइड में एक कंटेनर रख के उसमें कुछ फाउंडेशंस, कुछ बेबी क्रीम्स, और मेरा ब्लशर और कंसीलर, और इसमें क्या है यार, सब फाउंडेशन ही है और कंसीलर है, देख सकते हो आप। इसका फिटमी का है, लैक्मी का है, जेल आईलाइनर है जो मुझे ब्लैक और ब्राउन है, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट तो ब्राउन ही है इसलिए मैं ब्राउन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इस पर वैसलीन है इसके साइड में,
और ये जो आप छोटी सी हंडी देख रहे हो ना, तो इसमें ना कुछ नेल आर्टिफिक्स है, और ये क्लीनर है, नोज क्लीनर है, और जो अपने लिप लाइनर जो आधे आधे जो बच जाते फिर उसे उसमें ना वो कप में नहीं दिखाई पड़ते जो बड़े बड़े लिप लाइनर होते हैं उसमें, तो मैं जो छोटे से लिप लाइनर हो जाते या आई आई पेंसिल आईब्रो पेंसिल ये सब जो छोटे हो जाते ना फिर वो दिखाई नहीं देते उसमें, इसलिए मैंने इसमें एडजस्ट किया है जो मुझे दिखाई भी दे और मुझे यूज़ में आए। ये ऐसे दिखता है मेरा ऊपर का कंपार्टमेंट, और उसके नीचे ही ये मेरे नीचे के कंपार्टमेंट में मेरा लिपस्टिक कलेक्शन है, और फर्स्ट मेरा ये मिरर है जो रेगुलर बेस पर मुझे मेकअप के लिए यूज़ होता है वो है, और ये मैंने डी मार्ट से ख़रीदा था जिसमें मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है लिपस्टिक और मेरा कुछ प्राइमर मस्करा फेशियल ऑयल मेरा सिंदूर ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें, और यहाँ पर उसके साइड में डीआईवाई कर कर मैंने बॉक्स किया है, तो उसमें मैंने पूरे मैट लिपस्टिक रखे हैं मेरे जो हुडा के एचआर के आप देख सकते हो, और उसके साइड में ये मेरा एलवेरा जेल है लैक्मी का, और जो ये कंटेनर है आप जो देख रहे हो ये मैंने मेशो से लिया था जिसमें लिपस्टिक ऑर्गेनाइज रही है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिपस्टिक और मेरे कुछ आईलाइनर रही है गोल्डन सिल्वर और ये थोड़ा सा डार्क ब्लैक है, और यहाँ पर मेरे कुछ काजल है एब्रो पेंसिल से, और कुछ फेस्टिवल में जो मेहंदी कोन्स बच जाते हैं ना तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ जो कभी यूज़ में आ जाए, ये मेरा लिबाम है हिमालय का, और ये मेरे एब्रो पेंसिल से कुछ काजल है आईलाइनर है, और उसके साइड में कुछ लिपस्टिक लिबाम मेरा काजल और ये बेबी लिबाम है, और यहाँ पर ना मैंने ये कुछ सीरम रखे गुड वाइब्स के हेयर है फेस है गुड वाइब्स के कुछ टी ट्री रखी है, और यहाँ पर ना एक बेबी जॉनसन्स पाउडर है जो मुझे अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट प्राइमर है तो ब्लू हेवन का है जो मैं रेगुलर बेस पर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ही उसे रखती हूँ। तो हम नीचे आए तो मेरे कुछ कॉम दिखेंगे आपको, मैंने जो रेगुलर कॉम यूज़ होते हैं और एक्स्ट्रा ब्रश था वो भी मैंने इसमें रखा है, और ये मेरा पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेस पे, और ये मेकअप में यूज़ होते हैं मेरे पास ये रखे मैंने यहाँ पर, ये लूज़ पाउडर है पैनकेक है ओलिवा का, और यहाँ पर मैंने मेरा कॉम्पैक्ट रखा है जो रेगुलर यूज़ होता है मैंने उसमें नहीं रखा है, और ये मेरी बिंदीज है कुमकुम है, और यहाँ पर भी मैंने बिंदीज रखी है, और उसके पीछे जो कंटेनर देख रहे हो आप मैंने आपको बोला है कि मैंने मेशो से इसे लिया है 4 पीस में था ये, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जो आप न्यू हो गए तो आप इसे ज़रूर देख लीजिए चेकआउट कीजिए कि मैंने ये वीडियो बनाया है इस पर, आपको चाहिए तो इसकी लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी, और ये मेरे पास बायोटिक के ना मॉइस्चराइज़र है सॉरी टोनर है, ये हेयर फॉल के लिए मैंने ऑयल मंगवाया था बायोटिक का वो ये आई सॉरी आई मेकअप क्लींजर है जो आप आई मेकअप के लिए किया किए बाद जो क्लीन करना चाहते हो ना उसके लिए वो ऑयल है, और उसके पीछे ही मेरा ये हेयर बजाज का ऑयल है, और ये मेरा मॉइस्चराइज़र गार्नियर का, ये मेरा परफ्यूम है, और यहाँ पर आप एलोवेरा जेल देख सकते हो, तो ये ऐसे कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और उसके नीचे ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, मैं अभी आपके साथ ये ज्वेलरी वो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया सब करना तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरा ज्वेलरी कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देख लीजिए मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ पर कुछ पिन्स है और मेरे बेबी के पिन्स है, और यहाँ पर भी मैंने ज्वेलरी रखी है यहाँ पर भी, और ये ना जो आप देख रहे हो ड्रॉवर्स 4 ड्रॉवर्स है उसमें मैंने कुछ ऐसे नाम डाल कर रखे क्योंकि इजीली मिल जाता है आप देख सकते हो, ऐसे किया है मैंने मैंने ये आपको बता दिए साइड ये दिखा दिए मैं आपको आप ये दिखा दिया है ये साइड मैं आपको अभी ये 1 2 3 4 जो नीचे का ये 3 ड्रॉवर और ये जो साइड का कंपार्टमेंट है वो दिखाऊंगी,
ये मेरा जो साइट का है जो मैंने अभी ओपन किया है, देखिए इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा डियो है। इसमें सब मैं रैंडम सी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती है ना वो रखती हूँ, और मेरे जो मिस्ट है, मेकअप फिक्सर है, वो भी यहाँ पर रखती हूँ, मेकअप रिमूवर वो सब मैं रखती हूँ। और मेरे दो जो नेल पेंट है वो भी मैंने यहाँ पे रखे है, और ये लियोन का मेरा हेयर ऑयल है वो भी रखा है, ये सिंदूर की डब्बी है, वो सब फेस वॉश जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होते हैं ना वो सब रखे हैं मैंने, आप देख सकते हो। मिस्ट और टोनर ऐसे रखे हैं मैंने, ये खादी का है, ये खादी का टोनर रखा है यहाँ पर, ये प्लम का है, ये वॉ का है, और ये मेरा फेस वॉश है जो मैंने हिमालय का फेस वॉश लिया था वो यहाँ पर, ये अभी जो मेरा ख़त्म हो जाएगा जब मैं निकालूँगी तब तक तो यहाँ पर ये वो, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा बचे हुए होते हैं ना वो सामान यहाँ पर रख देती हूँ, जैसे कि खादी का वो टोनर एक मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, वो इतना ही ख़त्म हुआ है, वो न्यू ही है अभी, मैंने जिसका पैकेजिंग नहीं फोड़ा है, निकाला नहीं है सॉरी। और ये मेकअप फिक्सर है मेरा, मैं यूज़ करती हूँ, और उसके नीचे ही और एक है जो इसमें मैंने ना मेरे जो सॉरी हैंकी है, और ये जो मेरे ब्लेंडर बचे थे ज़्यादा के एक्स्ट्रा थे जो मैंने मार्केट से लाए थे तो मैंने यहाँ पर ही रख दिए, और उसके पीछे ये मेरा रेजर है, और ये यहाँ पर साड़ी पिंस, छोटे सेफ्टी पिंस, सिंदूर, और इसमें मैंने नेल पेंट रिमूवर, कॉटन ऐसे कुछ रखा है। जो एक्स्ट्रा में ये ऐसे रखा है मैंने। अब आते हैं हम फर्स्ट ड्रॉअर पे जो मेरा सबसे फेवरेट ड्रॉअर है, और ये मेरी आई शैडो किट है जो मेरी वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रही थी तो मैंने यहाँ पर रख दी, ये मिस रोज़ की है, बहुत बड़ी होने से वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है उसे। ये मेरा बैंगल कलेक्शन है, इतना सारा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, जो मैंने ऊपर भी बॉक्स में कुछ बैंगल्स रखे हैं। मैं आपको वीडियो उस पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, अब जितना है आपको उतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ये कुछ आप बैंगल्स में ऐड कर सकते हो, वो बैंगल्स सही है जो मैं वॉच वो जब वेयर करती हूँ ना तो जब ये बैंगल्स यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो क्योंकि इसमें का एक एक जो सेट था वो टूट चुका है इसलिए मैं वैसे यूज़ करती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे मैट ज्वेलरी सॉरी मैट बैंगल्स है, ये कांच की है सब चूड़ियाँ, उसके नीचे ही फिर सेकंड ड्रॉअर में ये कुछ मेरे हेयर बैंड्स, क्लच, और ये मेरा ग्लास, सनग्लास, ये सीज़र, और ये कुछ ऐसे रख देती हूँ जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, रैंडम सी चीज़ें जो ऊपर नहीं लगती है मुझे डेली बेस में, कॉटन, ये रिमूवर, नेल रिमूवर, ये फेक लैसेस, इसमें कुछ सिंदूर, वो एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना, जैसे कि ये भी है अभी क्लिंजिंग मिल भी यहाँ पर ही रख दिया मैंने, तो ये ऐसे ये ड्रॉअर में इतनी चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये ना मैंने DIY किया है, एक बॉक्स को कट कर कर उसमें ये ऐसे दो कंपार्टमेंट बनाए, ट्रिप बनाए, जिसमें कुछ बड़े हेयरबैंड्स है, कुछ छोटे, और इसमें सब ग्लच है छोटे बड़े, जो रेगुलर आप हेयर वॉश करते हो या ऐसे लगा कर जाना है तो जल्दी में या मिल जाते हैं बोलकर मैंने ऐसे बॉक्स में किया है उसे। ये इसमें इतनी चीज़ें, इसमें जो है सबका फेवरेट होता है एयर रिंग्स, वो मेरा कलेक्शन है इसमें, आप देख सकते हो ये मेरे सब एयर रिंग्स है। और ये मैंने बॉक्स ना फ्लिपकार्ट से लिया था, आपको यही चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, और मैं आपको जैसे बोल रही हूँ कि आपको जो मेरा कलेक्शन देखना है आप वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अभी मैं ऐसे ही दिखाऊँगी आपको, देखिए ये मेरी ज्वेलरी, इसमें भी मेरे इयररिंग है, ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा की लिबाम्स है, बेबी लिबाम्स,
इसमें भी छोटे छोटे जो होते वो रखे मैंने इयररिंग, इसमें भी इयररिंग ही है मेरे। और ये देखिए मेरा इतना कलेक्शन है जो इयररिंग का है, और इसमें भी है और मैंने साइड में भी रखा है। आपको जो देखना है मेरा कलेक्शन कैसा है और मैं कैसी लेती हूँ, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हुई या फिर ऐसे मैट में हुई, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए मेरा ओवरऑल बाहर का लुक जो मैंने आपको सब बताया है, बाहर से पूरा मेरा ड्रेसिंग टेबल ऐसे दिखता है। तो आपको कैसा लगा मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन? आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल में न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने कुछ चीज़ें आपको क्लियरली या पूरे डिटेल में नहीं दी है, बताई भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे करती थी ना जो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप ना जो मैंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो बताया आपको, इसीलिए आपको मेरे कुछ कलेक्शन में से कुछ अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। इयररिंग कलेक्शन हो या मेरा कुछ ज्वेलरी कलेक्शन हो या मेकअप का कुछ कलेक्शन हो, आप उस पर ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और मैंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है कैसे किया है, मेरा छोटा सा जो ड्रेसिंग टेबल है, बहुत सारा सामान नहीं है मेरे पास, मैं जितना है उतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और जो मैंने किया है अभी वो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।